सब्सक्राइब कीजिए होम स्टाइल किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम स्टाइल किचन में। आज हम बनाएंगे ग्रेवी स्टर्ड पनीर। इसके लिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया है जिन्हें क्यूब्स में काट लिया है। 100 ग्राम मैदे का घोल लेंगे। 2 मीडियम प्याज कद्दूकस कर ली है। 2 मीडियम टमाटर की प्योरी बना ली है। 1/2 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च, 50 ग्राम धनिया, 8 से 10 बादाम, इसकी हम पेस्ट बना लेंगे। 2 टीस्पून काजू की पेस्ट लेंगे। मलाई लेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 1 तेज़पत्ता लेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर लेंगे और नमक लेंगे स्वाद अनुसार। सबसे पहले अब हम धनिया की चटनी बनाएंगे। अब हम पनीर क्यूब्स लेंगे और उसे सेंटर से कट कर लेंगे। ऐसी करके हम सारे पनीर क्यूब्स को सेंटर से कट कर लेंगे। अब हम पनीर के एक स्लाइस लेंगे और उस पर धनिया की चटनी लगाएंगे और दूसरी स्लाइस से इसे बंद कर देंगे। ऐसे करके हम सभी पनीर में धनिया की चटनी लगा लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे डीप फ्राई करने के लिए और पनीर के क्यूब्स लेंगे और मैदे में उसे डिप करेंगे मैदे के घोल में। और अब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे। ऐसे हम दूसरा पीस लेंगे पनीर के क्यूब्स का। उसे मैदे में डिप करेंगे और कढ़ाई में डालेंगे। ऐसे करके हम सारे पनीर के पीसेस को डीप फ्राई कर लेंगे। और ये हमारा पनीर डीप फ्राई हो चुका है। ऐसे करके हम सारे पनीर के पीसेस को डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसमें 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 1 तेज़पत्ता डालेंगे और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम प्याज कद्दूकस किए हुए डालेंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। अब हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर,
आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून धनिया पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून काजू की पेस्ट डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसे भून लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए पनीर के क्यूब्स डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इन्हें पका लेंगे और ये हमारा ग्रेवी स्टफ्ड पनीर बनके तैयार है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा ग्रेवी स्टफ्ड पनीर बनके तैयार है। अगर आप इसे गार्निश करना चाहें तो क्रीम या धनिया के पत्तों से गार्निश कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।